इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि के इलेक्ट्रिक के मजालिम लूट मार और 5 बच्चों समेत 22 अफराद की हलाकत के खिलाफ मंगल 6 अगस्त को कराची भर में 50 से जायद मकामात पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 50 से जायद मकामात पर मुजाहरे करेंगे। आप सब लोग अपने इलाकों में जाएं, मुनज्जम हों और अपनी पब्लिक एड कमेटियों को और जमात इस्लामी के मकामी लोगों को और आवाम को मुनज्जम करें और हम पूरे शहर में 50 से जायद मकामात पर मुजाहरे करेंगे। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा है और हम उनसे भी अर्ज करते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपकी अदालत में 3 साल से मुकदमा मौजूद है, इसी तरह के मजलूमों का मुकदमा है। वो ये जो अंधी प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसके खिलाफ हमने बात की है, ये जो लूट मार इन्होंने की है, मुख्तलिफ मदाद के पैसे लिए हैं, उस पर हमने आपकी अदालत में जो है दस्तक दी है, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद मुकदमे की पैरवी नहीं हो रही। मुतासिरा खानदानों को इंसाफ फराहम ना हुआ, वर्सा को मुआवजा ना दिया गया और 22 अफराद के कत्ल की FIR के इलेक्ट्रिक के सरबरा आरिफ नकवी, मोनस अल्दी और अक्रम सहगल के खिलाफ दर्ज ना की गई। तो ईद उल अजहा के बाद वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस पर एहतजाज और धरना दिया जाएगा। ये बेरंग भूबे भूबे FIR हमें नहीं चाहिए। आरिफ नकवी के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ FIR होनी चाहिए। उसके CEO जो के इलेक्ट्रिक का CEO है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये जो 80-80 लाख रुपए तनख्वाहें वसूल करके हमारे कलेजे पे मूंग डल रहे हैं, इनके खिलाफ मोनिस अलवी, उसके खिलाफ इकराम सहगल, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और इन तीनों के जो सरपरस्त हैं हुक्मरान, उनके खिलाफ ये कदम कत्ल के मुकदमे बनने चाहिए। सिर्फ जुबानी 2-4 जो है बयान देने से सईद गनी साहब मसला हल नहीं होगा। अगर आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्त टाल रहे हैं तो हम फिर इंशाल्लाह हमारी अगली मंजिल ईद के बाद CM हाउस होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग तैयार हैं? और गवर्नर साहब, वो जो आप मेयर के साथ बैठकर गोलगप्पे खा रहे थे या पराठे खा रहे थे कैफे प्याला पे, शहर में लोग मर रहे थे, आप खुशगप्पियां कर रहे थे और उस वक्त आप पूरे शहर के 2.5 करोड़ लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। आपके पास जितना फंड है और आपकी लाडली MQM PTI की गोद में बैठी हुई इस वक्त MQM जिस तरह से जो है अपने फंड का हिसाब नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी अपने फंड का हिसाब नहीं दे रही, इन लोगों ने मिलकर हुकूमतें भी की हैं और हमें लूटा है। इमरान खान बताएं कि अगर मियांवाली में ये वाकया होता तो क्या वो मुतासिरा खानदानों के घर नहीं जाते? वजीर आजम आरिफ नकवी के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं करते? 22 लोग इस शहर कराची के हलाक हो गए इस इदारे की वजह से जो के इलेक्ट्रिक की सूरत में यहां पर मौजूद है। और यह इदारा एक प्राइवेटाइज इदारा है, इसमें ऐसी क्या ताकत है? एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता? जो पूरी दुनिया में करप्शन करप्शन के नारे लगाते हैं और कहते हैं हम पकड़ेंगे, ये वही आरिफ नकवी है, अपराज ग्रुप का मालिक, इसके हेड ऑफिस के सामने हम यहां पर खड़े हुए हैं कि जिसको लंदन में गिरफ्तार किया गया अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के धोखेबाजी और फ्रॉड में, और 2.25 अरब रुपए की जमानत लेकर वो अब इस वक्त हाउस अरेस्ट है, सिर्फ जेल से बाहर आया है। लेकिन ये क्या बात है कि वो अमेरिका में पकड़ा जा रहा है, वो लंदन में पकड़ा जा रहा है, वो दुबई में पेनल्टी उस पर लग रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी इसके पास है कि कोई इसका नाम तक नहीं लेता? वफाकी और सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों समेत कौन कौन के इलेक्ट्रिक की सरपरस्त और पुश्तबान हैं, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, आपको ये मुतालबा मंजूर है? एक एक खाते का हिसाब होना चाहिए, किस किस पार्टी को इसके इलेक्ट्रिक ने कितने पैसे दिए हैं सब सामने आना चाहिए, सारे चेहरों पे से नकाब हटनी चाहिए। कौन कौन बेनिफिशियरी है विफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में, मकामी हुकूमत में, पिछली हुकूमत की नून लीग, कौन कौन पैसा खाता रहा है, हमसे लूट लेते हैं और इन दरिंदों को पैसे देते हैं ताकि ये खामोश रहे और ये हमें बर्बाद करते रहे। मलीर में करंट लगने से जा बहक होने वाले दोनों बच्चों आरिफ कुरैशी और उमर फारूक की माओ ने भी शिरकत की और खिताब किया। मैं उमर की माँ, मेरा बेटा 9 साल के बाद हुआ, मेरी शादी के 9 साल के बाद हुआ, मन्नत मुरादों पर मेरा उमर, वो मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रहा है। मेरे को नींद आ रही है, मैं आंखें बंद कर रही हूँ मगर मुझे सो नहीं पा रही, मुझे भूख लग रही है, मैं एक निवाला हलक में डालती हूँ, मेरे हलक से नहीं उतरता है।
आज 4 दिन हो गए मैं कुछ ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, जिंदा लाश बन के मैं बैठी हुई हूँ। किसकी वजह से? के इलेक्ट्रिक की वजह से। मेरे आंसू खुश्क हो गए, मैं किसको बोलूँ, किससे फरियाद करूँ, कौन सी हुकूमत को जिसको मैंने वोट दिया था कि शायद मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बनाएगा, ये नहीं बना मेरा मुस्तकबिल, में लुट गई मेरी गोद उजाड़ दी इन लोगों ने। सुनिए, के इलेक्ट्रिक वालों की वजह से उस दुनिया में नहीं रहा, बच्चे तो मासूम खेल रहे थे, सारा दिन से लाइट नहीं थी, वो सिर्फ 3 मिनट की लाइट ने हम दोनों माओ की गोद उजाड़ दी। केसी के सामने ये हादसा हुआ, लोग गए भी, खटखटाया, पत्थर मारे दरवाजे पे कि लाइट बंद करो, किसी ने नहीं सुना, जब तक बच्चों की जान नहीं चली गई। और अभी तक कोई आया भी नहीं, किसी ने आके पूछा तक नहीं। कराची में हड़तालें करने वालों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक भी हड़ताल नहीं की। वजीर आजम का फर्ज है कि वो कराची आएं और 22 अफराद के घरों में जाकर उनसे इजहार हमदर्दी करें। एहतजाज भी हुए, हड़तालें भी हुई, मईशत का पहिया बर्बाद होकर रह गया, लेकिन उन ताकतवर लोगों ने जो शहर बंद कराने की और खोलने की सलाहियत रखते थे, एक एहतजाज भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं किया, एक हड़ताल भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं की। इसलिए ये एक ट्रायका है हुक्मरानों का, के इलेक्ट्रिक का और नेप्रा का।